बाघ की खाल की तस्करी को लेकर वाइल्ड लाइफ टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिंगरौली में बाघ की खाल बेचने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाइल्ड लाइफ टास्क फोर्स दिल्ली और जबलपुर ब्रांच ने सिंगरौली फॉरेस्ट टीम के साथ दबिश दी और बाघ की खाल की तस्करी करने वाले आरोपियों को खाल के साथ धर दबोचा। सिंगरौली के माड़ा रेंज और छत्तीसगढ़ के बिहारपुर बॉर्डर के पास बाघ की खाल बेचने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ टास्क फोर्स दिल्ली और जबलपुर ब्रांच ने अचानक दबिश देकर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 3 आरोपियों ने खुलासा करते हुए बताया कि बाघ का शिकार छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बिहारपुर में हुआ था। मुख्य आरोपी बिहार का ही है, इसलिए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले को बिहारपुर फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया गया है और पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम जबलपुर से आई थी, उनको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वो आपके मकरोहर और मकरोहर में हमें बाघ की खाल कोई देगा। उसके अनुसार हम लोग एक टीम बनाए और उन्हीं के साथ एक ज्वाइंट टीम बनाकर बाघ तस्करी करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया और शेष कार्रवाई अभी प्रगति पर है, जांच की कार्रवाई चल रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।